मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पहले जो मेन चैलेंजेस थे, हम ऐसा बोले कि डेमोक्रेसी लागू करने के लिए हमें जो मेन इवेंट्स थे, जो मेन चैलेंजेस थे, जिसको हमें रूल करना था, जिनसे ओवरकम हुआ था, वो क्या क्या थे। तो आप सभी को पता है डेमोक्रेसी क्या है। बेसिकली अगर आपको ये पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आपको ये भी पता होगा कि डेमोक्रेसी के मेन चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज होता है पॉपुलेशन। किसी भी चीज का हम बात करें, कोई चीज भी लागू करनी हो, तो पहला चैलेंज होता है पॉपुलेशन। चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, पॉपुलेशन ही पहला चैलेंज होता है कि पॉपुलेशन इन्वेंशन जो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको किस प्रकार से कंसिडर किया जाएगा। हम सभी को पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक सेंसस के थ्रू हमने बात की कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने वो क्या बात किया 2002 की, ये 2003 की ये सेंसस निकाला गया था, तो पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज की डेट में या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा न्यूज़पेपर में या मीडिया में, आप लोगों ने सुना होगा कुछ सालों पहले तक, 5-6 साल, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 में आपने सुना होगा कि 100 करोड़ देशवासी, सर किसी के भी मुंह से सुनते रहे हो क्या, 100 करोड़ देशवासी। फिर आप लोगों ने कुछ समय बाद सुना होगा 125 करोड़ देशवासी। फिर आप लोग क्या सुनते हो, 130 करोड़ देशवासी। मतलब क्या है, मतलब 100 करोड़ से यहाँ तक बढ़ गई 2011 से लेकर के अब तक में, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, करीबन 23 समथिंग बढ़ी है, 23 समथिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हुई करोड़ में। हम और बात नहीं करें, केवल करोड़ की बात करें, इतने करोड़ पीपल बढ़े हैं। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो एक्सप्लोर हो रही है उसमें, जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। किस चीज के इशू, हम केवल डेमोक्रेसी की बात ना करें, अगर हम केवल डेमोक्रेसी की बात ना करें, हम नॉर्मली बात करें, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी आज घट रहे हैं, उसमें भी कमी आ रही है, उसको भी हम बेस्ट यूज नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स पॉपुलेशन हर एक टॉपिक पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है। पॉपुलेशन जो वर्ड है, ये हर एक टॉपिक पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है। इसके इन्फ्लुएंस के बिना कुछ भी पॉसिबल आज हमें नहीं दिखता कि कुछ भी पॉसिबल हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें, नीड ऑफ पीपल, अगर ऐसा बात करें, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं विद द नीड ऑफ पीपल, डिक्रीज इन द अवेलेबल रिसोर्सेज विद द नीड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब जो ये कमी आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नॉर्मल वर्ड में अगर बोले तो द रेट ऑफ ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, रेट क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसका, लोगों के बढ़ने का, पॉपुलेशन के बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। अगर लोगों के बढ़ने का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका ओवरकम या उसके कारण क्या मिलेगा, हमें क्या रिजल्ट आएगा उसका, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं, उन रिसोर्सेज में गिरावट आ जाएगी, उन रिसोर्सेज में क्या आएगी, गिरावट आएगी। किस बेसिस पे, विद द नीड ऑफ पीपल्स, विद द नीड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नीड के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू नीड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नीड के हिसाब से रिसोर्सेज में कमी आएगी, गिरावट आएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आज की डेट में डेथ रेट है, तो डेथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अक्सर सुना होगा, अभी COVID-19 का पीरियड चल रहा था, न्यूज में, पूरे न्यूज मीडिया में, टेलीविजन में, रेडियो में, सभी में केवल वही चल रहा था कि डेथ रेट कितना है और बर्थ रेट कितना है, एवरेज निकाला जा रहा था कि भाई कोविड से कितने लोग मर रहे हैं, बाकी कितने लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो क्या है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या है, कम है। बट हम लोग ऐसा बोले कि जो बर्थ रेट है वो थोड़ा कम होने लगा है। डेथ रेट कम है बट बर्थ रेट क्या है, थोड़ा सा कम होने लगा है।
क्यों होने लगा? क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको डिक्रीज करना है। अब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैक्सिमम एक फैमिली में दो या दो से अधिक नहीं होते, मैक्सिमम दो या दो से अधिक ज्यादातर अब नहीं पाए जाते हैं, एक फैमिली में दो या दो से अधिक बेटा या बेटी होते हैं। अगर हम लोग बात करें पहले के जमाने की, तो दो तो पता ही नहीं था क्या होता है, दो जो काउंटिंग है टू वो पता ही नहीं था उस समय पे कि क्या होती है। पूरी एक आप देखते हो पहले के परिवार हुआ करते थे, पूरे परिवार कहते 100 लोगों का परिवार, 150 लोगों का परिवार, ऐसे परिवार हुआ करते थे। अब बताओ 100 लोगों का परिवार है, अगर एक परिवार 100 लोगों का है, और आज की डेट में एक परिवार मैक्सिमम 4 लोगों का होता है, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं तो 8 से 10 लोगों का होता है, उससे परिवार अब नहीं जाता है। पहले 100 लोगों का, 200 लोगों का लोग क्या करते थे, एक कम्युनिटी बनाते थे, पहले अपने वर्चस्व के लिए एक क्या बनाई जाती थी, कम्युनिटी बनाई जाती थी कि भैया हमारा दबदबा रहे, इस कारण से अपनी कम्युनिटी बना ली गई कि भैया इस सोसाइटी में केवल हम हैं और कोई दूसरा नहीं है। अब वो चीज नहीं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था वो भी खत्म हो गया है। पहले केवल ये सारे काम किसके लिए थे, डिस्क्रिमिनेशन के कारण होते थे, कि लोगों के साथ भेदभाव होता था, केवल इस कारण से ऐसा होता था। अब लोग एजुकेटेड हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आई हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। अब जो ओवर कम हमको दिख रहा है वो जो बर्थ रेट है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ गई, उसमें थोड़ा सा गिरावट आ गई है। और जो बर्थ रेट को लेकर के, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के जो सबसे बड़ी पहल हुई थी अपने देश में वो इंदिरा गांधी जी ने की थी। सबसे बड़ी पहल किसने की थी, इंदिरा गांधी जी ने किया था। उन्होंने बहुत बड़ी पहल की थी, क्योंकि उस समय पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बर्थ रेट अनडिक्रीजेबल था, घट ही नहीं सकता था, ऐसा बर्थ रेट था। उसको घटाने के लिए बहुत पहल की गई थी, बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले गए थे, बहुत सारे पॉलिसीज निकाली गई थी। अब तो धीरे धीरे सब कंट्रोल किया जा रहा है। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कॉज होता है सोशल रीजन। पहला कॉज क्या है? सोशल रीजन। सोशल रीजन का मतलब क्या हो गया भाई? किसी की ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है तो हर एक, ये पॉसिबल नहीं है या हम ऐसा बोले कि ये डिफिकल्ट नहीं है किसी बच्चे की नीड को फुलफिल ना कर पाना, किसी बच्चे की नीड को फुलफिल ना कर पाना। अगर ज्वाइंट फैमिली है, मान लो कि आपके पापा, बड़े पापा, चाचा सभी लोग हैं, मान लो आपके चाचा की इनकम नहीं है, आपके चाचा की इनकम नहीं है, तो क्या आपके बड़े पापा आपके चाचा के बच्चों को खाना नहीं देंगे? देंगे, मीन्स उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। ज्वाइंट फैमिली में ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। बट जो सेपरेट फैमिलीज होती हैं उनमें ये इशूज होते हैं, ये इशूज होते हैं। अगर सेपरेट फैमिली है और किसी की कमाई नहीं है तो वो खाना भी नहीं पाएगा बेचारा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो नौकरी नहीं पाएगा, नौकरी नहीं पाएगा तो खाना भी नहीं पाएगा। आपका दूसरा रीजन क्या होता है? मोर चिल्ड्रेन आर बॉर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिजेस। जो पहले बाल विवाह होते थे वो बहुत बड़ा रीजन था ज्यादा चिल्ड्रेन बॉर्न होने का, बर्थ रेट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन उस समय पे था क्या? चाइल्ड मैरिजेज, बचपन में ही शादियां हो जाती थी, इस कारण से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तीसरा रीजन क्या है? जो हमारे इंडिया की सोसाइटी है वो बहुत ही पुराने ख्यालातों की, इंडियन सोसाइटी क्या है, बहुत ही पुराने ख्यालातों की है। अब तो नहीं है बट पहले थी, आज की कंडीशन में मैं नहीं कहूंगा कि आज है बट पहले थी। पहले क्या होता था? लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को बोझ माना जाता था और लड़कों को इज्जत दी जाती थी। तो लड़कों को पैदा करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती थी जब तक लड़के पैदा ना हो जाए। चौथा क्या हो सकता था कंडीशन? जो सोशल कंडीशन थी वुमेन की वो बहुत अच्छी नहीं थी, वुमेन की सोशल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, मीन सोशली जो सोशल डेवलपमेंट होता है या सोशल सोसाइटी में इज्जत होती है वुमेन्स की वो सब अच्छी नहीं थी। वुमेन से क्या होता था? घर में काम करो, घर में रहो,
घर के काम करो और घर में रहो, बाहर निकलना भी उस समय कई डायनेस्टीज में तो ये था कि उनमें से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज कंसीडर्ड अ बून ऑफ गॉड, और जो हमारे देश की सभ्यता है क्या है, किसी बच्चे का जन्म भगवान का गिफ्ट माना जाता है, किसी बच्चे का जन्म भगवान का गिफ्ट माना जाता है। हमारे यहाँ की सोसाइटी इसके कारण पॉपुलेशन आज बढ़ जाती है। ये तो सोशल रीजन है जो हम लोग मानते हैं कि ऐसी सोच थी, ये सोचे थी लोगों की, सोच थी, ऐसा लोग सोचते थे कि ऐसा कुछ होता है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक रीजन क्या था, ड्यू टू पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक असेट। अब पॉवर्टी और गरीबी हुआ करती थी तो ये होता था कि जिस परिवार में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, जिस परिवार में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, इस कारण से भी पॉपुलेशन बढ़ती थी। दूसरा क्या था, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कंसीडर चिल्ड्रन ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हेल्प देम इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज ग्रेजिंग द कैटल एंड प्रोटेक्टिंग द क्रॉप। अब जो खेती होती थी पहले तो इक्विपमेंट्स थे नहीं, ना ही हमारे पास ट्रैक्टर था, ना ही कुछ था, तो लोग क्या होता था, जितने ज्यादा लोग होंगे खेती में उतना आसानी से हो जाएगा सब काम, तो उसके कारण भी पॉपुलेशन बढ़ती थी। ये इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस कारण से भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी। फॉल्टी इकोनॉमिक विजन, द रूरल पीपल थिंक दैट एवरी न्यू चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ हैंड टू वर्क, ही विल प्रूव टू बी द हेल्पिंग हैंड इन द हाउस होल्ड वर्क, दे कंसीडर चिल्ड्रन इन द होम। जो गांव के लोग होते थे वो क्या समझते थे, एक नया मेंबर आएगा, एक नया चिल्ड्रन आएगा, उसके दो हाथ और मिलेंगे काम करने के लिए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अब क्या समझते थे, भाई दो हाथ और मिलेंगे भगवान का गिफ्ट है, उस कारण से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अदर रीजन क्या, ये तो इकोनॉमिक कंडीशन से और सोशल कंडीशन थे, ये सारे वही कंडीशन है जो आप लोग सुनते आ रहे हो, दिन भर टीवी में देखते हो, सीरियल्स में देखते हो, इनमें से ऐसे कई मैक्सिमम कंडीशन है जो आप लोगों ने सीरियल बालिका वधू अगर देखा हो, बालिका वधू वैकम चैनल पे चलाता था कलर्स के, तो उस चैनल पे आपने बालिका वधू सीरियल देखा हो, उसमें सारी कंडीशन बताई गई, सारी कंडीशन एक्सप्लेन है, सारी कंडीशन एक्सप्लेन है। तो आप लोगों को टेलीविजन के थ्रू भी बहुत सारी जानकारियां मिली, ऐसा नहीं कि आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, आप लोग अपने सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो। अभी आप लोग क्लास टेंथ में हो, आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो अपनी सोसाइटी की हिस्ट्रीज पढ़ो कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या क्या होता था, क्या चेंजेज आए, क्या क्या होता था और क्या चेंजेज आए, ये सब पढ़ने की नीड है आपको। हम बोलते हैं कि हमें कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, हमें नौकरी पाना है, हमारा यही रहता है कि हमें कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है और हमें नौकरी पाना है। पढ़ना कोई नहीं बोलता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए कोई अग्री नहीं है, भाई पढ़ना है तब कुछ है, पढ़ने के लिए कोई भी अग्री नहीं है। और जो आपके इस साल सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपकी सोसाइटी के बारे में बताते हैं, रियल नॉलेज देते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, वो आपके रियल नॉलेज दे रहे हैं आपकी सोसाइटी के बारे में। अदर रीजन क्या हो सकता है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ क्या हो सकती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, इलिटरेसी होती है, भाई लोग अनपढ़ थे, नहीं जानते थे कुछ भी, उनको ये लगता था जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे, तीसरा रीजन क्या हो सकता था, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए कोई भी प्रिकॉशंस नहीं थे उस समय पे, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए कोई भी प्रिकॉशंस नहीं थे उस समय पे। और इंडिया में जो डेथ रेट था बहुत तेज था, बहुत फास्ट डेथ रेट, बहुत क्या था, फास्ट, उसको खत्म करने के लिए भी बर्थ रेट को फास्ट कर दिया गया, भाई डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर रहना चाहिए, डेथ रेट मर ज्यादा रहे हैं तो जन्म भी ज्यादा लेंगे। स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया क्या है, फैमिली प्रोग्राम, क्या है, फैमिली प्रोग्राम, या ऐसा हम बोले कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम।
दूसरा क्या था, जो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इसको सिटीज और विलेजेस में इस्टेब्लिश किया गया था, दोनों में अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश किया गया, दोनों जगह एक ही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सकता था, अलग अलग प्लानिंग करके इस्टेब्लिश किया गया था। एज ऑफ मैरिज, जो शादी की एज थी वो भी फिक्स कर दी गई। क्या फिक्स की गई कि भैया 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, इससे कम में शादी नहीं होगी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आर बीइंग प्रमोटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड टू मेक द प्रोग्राम इफेक्टिव। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को क्या किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम उसमें किए गए, टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया, न्यूज़पेपर में दिया गया, रेडियो में दिखाए गए, बहुत सारी जगह क्या कहते हैं उसके कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, इसके ऊपर टॉपिक दिए गए, चर्चाएं हुई, इसको ऐसे का एक टॉपिक बना दिया गया, डिबेट का टॉपिक बना दिया गया कि लोग चर्चा करेंगे तभी तो जान पाएंगे किसी चीज के बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी टॉपिक को जब चर्चा करते हैं, दो स्टूडेंट बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो उनको क्या समझ में आता है, उस टॉपिक की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाती है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज बताया जा रहा है। अगर हम बोले हम केवल पढ़ते हैं तो हमको उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन हम किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, चार लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक पे, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन होगा भाई, किसी को कोई लाइन समझ में आएगी, किसी को कोई लाइन समझ में आएगी, सभी चीजें सबको बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। प्रमोशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ टू चिल्ड्रन इन द फैमिली, एक फिलोसफी फैला दी गई, एक धारणा फैलाई गई कि दो बच्चे होने चाहिए सभी के, दो से ज्यादा नहीं रखना है। पे अटेंशन टुवर्ड्स द बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटी, जो मैटरनिटी फैसिलिटीज हैं उसमें अटेंशन ध्यान देना चालू कर दिया गया कि भैया सब चीज मेंटेन करके ही रखना है। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, जो कुछ डिजीजेज हुआ करते थे पहले, उन डिजीजेस के खिलाफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट चालू हो गए, मीन्स वैक्सीन बनाने लगे भाई, कोई बीमारी ना हो इसके लिए भी वैक्सीन है, इम्यूनिटी सबकी इंक्रीज हो उसके लिए भी वैक्सीन बनाई गई, दवाइयाँ दी गई, काढ़े जो पीते हो आप लोग, काढ़ा वगैरह पीते हो, सेम वही बीमारी चल रही COVID-19, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी नहीं आया है, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये रोग नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन आने के बाद फिर इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। वैक्सीन क्या काम करती है, वैक्सीन किसी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये समझ लो कि वैक्सीन किसी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन क्या काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, किसके खिलाफ, जिस डिजीज के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है उस डिजीज के खिलाफ थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है कि आपको वो डिजीज आप इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उस डिजीज से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में तैयारी हो गई है, या वो डिजीज अगर आपकी बॉडी में अटैक करेगा तो आपकी बॉडी उसे फाइट कर पाएगी, कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर डिजीज हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर ये ना बोलना कि वैक्सीन तो लगवाया था। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी, आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मुंह से आप सुनोगे मैं बेरोजगार, सोसाइटी में हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ये बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई वर्क नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या होता है, जब किसी के पास कोई काम ना रह पाए, जब जॉब ना मिल पाए तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, बेरोजगार है, वर्कलेस है। अब बेरोजगार भी कई टाइप के हो सकते हैं, मेनली दो टाइप, एक होता है रूरल, दूसरा होता है अर्बन, शहरी और ग्रामीण। अर्बन का मतलब क्या हो गया, शहरी, अर्बन में क्या होता है, अर्बन में बेसिकली क्या होता है, हायर नॉलेज लिए हुए होते हैं, हायर नॉलेज लेके रखते हैं, पहले से उन्होंने हायर नॉलेज लिया हुआ है, अच्छी खासी पढ़ाई किए रहते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती, तो हम बोलते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट के अंडर इनको कंसिडर किया जाएगा। जो ग्रामीण के लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, बहुत कम ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और इनका जो पूरा डिपार्टमेंट होता है या ऐसा बोले जो वर्क होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन्हीं में ही बेस्ड होता है, छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं गाँव में उनमें बेस्ड होता है।
अब इनमें क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती नहीं, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती है। तो अगर वहां पे भी किसी को साल भर तक कोई काम नहीं मिला, साल भर तक कोई काम नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं कि ये अर्बन सॉरी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का बंदा है या व्यक्ति। मीन्स हम टोटल क्या कंसिडर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को जब एक साल काम ना मिले तो हम बोल देते हैं, कंसिडर कर देते हैं कि ये बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक साल की बात कर रहे हैं, एक दो महीने की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी के पास दो महीने काम नहीं है और बोल दे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है। एक साल तक आप लोगों ने एक नेवी के बारे में आते हो, मर्चेंट नेवी भी क्या, सिक्स मंथ काम करते हैं, सिक्स मंथ घर में बैठते हैं, सिक्स मंथ काम करते हैं और सिक्स मंथ घर में बैठते हैं, मान लीजिएगा। अब इसका क्या हुआ, वो बोल दें कि हम छह महीने से घर में बैठे तो बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं, छह महीने काम करके आए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, लेबरों का जो काम होता है, जो लेबर होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, कम से कम छह महीने का काम देती है, कम से कम छह महीने का काम देती है। छह महीने का काम देने का मतलब क्या है, छह महीने बेरोजगार थोड़ी बोल रही है उनको, ये बोल रही है कि अब आपके पास रोजगार है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर बढ़ रहे हैं उस नंबर को घटा रही है। आपके पास रोजगार है, छह महीने कमा रहे हो, मतलब आप साल भर खाना खा सकते हो, एक महीने कमा के दो महीने तो खा सकते हो ना, एक महीने कमा के दो महीने तो खा सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, पहला रीजन क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, पहला रीजन वही, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना कम रोजगार होगा, इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना कम रोजगार होगा। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, अब लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, खेती बहुत ज्यादा लोग अब नहीं करना चाहते, तो उसमें भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो लैंड है उसमें प्रेशर आ रहा है एग्रीकल्चर इंक्रीज करने के लिए, लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंक्रीज हो जाए, मीन उनकी क्रॉप इंक्रीज हो जाए, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो लैंड को प्रेशर करते हैं, प्रेशर देते हैं, एक बार दो बार खेती करिए तीसरी बार होती नहीं, एक बार दो बार खेती कर लिए तीसरी बार फिर बोला इनमें क्या हो जाता है, फर्टिलिटी खत्म, जब फर्टिलिटी खत्म तब खेती कैसे होगी, किसी भी जमीन की फर्टिलिटी खत्म होने के बाद खेती तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में कमियां होंगी, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन। दूसरा डिफेक्टिव प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट देने की जो प्लानिंग चलती है ये प्लानिंग भी सही तरीके से इफेक्टिव नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स यहां वहां जाते हैं उसमें भी कमी हो रही है, पर्याप्त मात्रा में लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। अब जो सपना में लेबर है वो बोलता है कि मैं दूसरी जगह क्यों जाऊंगा, सपना का लेबर दूसरी जगह क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, भैया मुझे यहीं पे जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, अपनी जॉब छोड़ के क्यों जाऊं मैं। और क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अक्सर आपको ये देखा गया है कि जो लोकल होते हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि लोकल तो पहले से है ना उस जॉब में, अब तो पोस्ट ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है जगह की किसी को जॉब दी जाए। सतना में आपने सुना होगा सेवन सीमेंट प्लांट्स ने, सेवन सीमेंट प्लांट्स मायने रखते हैं, कितनी जॉब होनी चाहिए, एक सीमेंट प्लांट में 2000 लोग अगर रहते हैं तो कितनी जॉब हो जाएगी, बट सतना में तो पहले से है ना, सतना में तो जॉब नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे बाहर। यही जो लैक है ना मोबिलिटी में, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, हम अपनी ही बात करते हैं, आज आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, कल आप क्या करोगे, आपको मान लो फीस देने के लिए पैसे नहीं, मान लेते हैं आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करोगे, पढ़ाई छोड़ोगे वहां पे जो पढ़ाई छोड़ते हो क्या मजबूरी, तो यहाँ पे जो लैक ऑफ मोबिलिटी है लेबर्स का वो भी किसका एग्जाम्पल है, मजबूरी का एग्जाम्पल है, मजबूरी के कारण ऐसा हो रहा है, वो खुद से नहीं कर रहे बेचारे कुछ, वो खुद से नहीं जा रहे हैं बाहर कमाने, ये खुद से वो अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में नहीं जा रहे हैं, वो केवल मजबूरी है, क्योंकि उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़ों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और पैसा कमाना सभी को पड़ता है,
खाना खाना है अगर पैसे चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी रीजन है। जो मेन रीजन जिसे मैं समझता हूं कि मेन रीजन है वो है देश की इकोनॉमिक कंडीशन में ग्रोथ होना। देश की इकोनॉमिक कंडीशन स्लो ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है देश की इकोनॉमिक कंडीशन की। जब देश की इकोनॉमिक कंडीशन की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो देश की इकोनॉमिक कैसे सुधरेगी, देश की इकोनॉमिक कैसे सुधर जाएगी। हम बोलते हैं कि पैसों का हमारे देश है, हमारे देश में पैसों का जो आना है वो बहुत कम है, देश की जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है। जब देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है तो आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी, आर्थिक व्यवस्था जब कमजोर है तो आर्थिक स्थिति सही कैसे होगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, हम रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। कैसे वेस्ट कर देते हैं, पानी आ गया चालू कर दिए बह रहा है, कोई ध्यान देता पानी क्या हो रहा है, या खूब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सॉइल में डाल दिए पॉलीथीन, फर्टिलिटी भी खत्म कर दिए पॉलीथीन ने, अब रिसोर्स सॉइल एक रिसोर्स है खत्म हो गया, सॉइल का रिसोर्स खत्म हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो फिर अब एग्रीकल्चर कैसे होगा, एग्रीकल्चर अब कैसे पॉसिबल है। ये सारी चीजें होती हैं, वेस्ट ऑफ मैन पावर, डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड प्रिंसिपल या एजुकेटेड पीपल, मीन्स कुछ लोगों की जो सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं, उन सिद्धांतों के कारण भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। भाई कुछ सिद्धांत क्या है ये हमें, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ सिद्धांत बना लिया किसी ने कि हमें जो इंजीनियर रखे जाएंगे तो इंजीनियर को नहीं रखना है, इंजीनियर की जगह पे इंजीनियर नहीं रखना है, हमें कम पैसे में टेक्नीशियन मिल जाएंगे, काम तो वो भी वही करेंगे जो इंजीनियर करेगा वही टेक्नीशियन करेगा। अब हमने सोचा कि क्या हमारा एक सिद्धांत बना लिया भैया हमें पैसा कम देना पड़ेगा, हमारे इंजीनियर की जगह पे टेक्नीशियन मिल जाएंगे, तो दो टेक्नीशियन को हमने वहां पर जॉब दे दी। अब वहां पर हमने क्या किया, टेक्नीशियन तो अपनी पोस्ट पे जॉब पा रहे थे ना, इंजीनियर की पोस्ट पे भी हमने टेक्नीशियन को जॉब दी, जो इंजीनियर की जॉब थी वो खत्म कर दी, जो इंजीनियर की जॉब थी वो हमने खत्म कर दी। अब वो इंजीनियर टेक्नीशियन बनेगा, यहां पर हमने दो चीजें खत्म की, तो पैसा बचा लिया, एक क्या बचा लिया पैसा, और दूसरा उस पोस्ट को खत्म कर दिया, दो पोस्ट को वहां पे हमने खत्म कर दिया। हमने वही दो टेक्नीशियन जो पहले भर्ती करते थे वही दो टेक्नीशियन अभी भी हैं, नंबर ऑफ टेक्नीशियन इंक्रीज नहीं किए, उन्हीं दो टेक्नीशियन को हमने इंजीनियर की पोस्ट दे दी, आप ही इंजीनियर का काम कर लो, इंजीनियरिंग का काम आपको ही करना है। तो ये काम कहलाता है क्या, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, इस पर हमने कहिए एम्प्लॉयमेंट खत्म किया, दो पोस्ट हटा दी, कम पैसे लागत पैसों के कारण, आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक कंडीशन के कारण ऐसा हो गया। ये आपका ये चैप्टर जो है कुछ इन्हीं चीजों के बारे में है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, क्या वे हो सकते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट और देश में लाएं, एम्प्लॉयमेंट देश में और ज्यादा लेके आए, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।